हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक लटकन का बहुत सिंपल और बहुत अच्छा डिज़ाइन देखेंगे। इस लटकन को आप बना सकते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए, लहंगे के लिए, आप ड्रेस में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो इसके लिए मैंने इस तरह के दो टुकड़े लिए हैं। ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला फैब्रिक है। इसको मेज़रमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इस वाली प्लेट से इसकी मेज़रमेंट ली है। जैसे प्लेट को मैंने इस तरह से रखकर राउंड शेप में इसकी कटिंग कर ली है। और अगर पेट की मैं आपको मेज़रमेंट बताऊँ तो ये 5.5 इंच की प्लेट है। देखो, ये पूरी 5.5 इंच की प्लेट है। तो इतना ही मेज़रमेंट मैंने इस कपड़े का लिया है। अगर आपको छोटा बड़ा लटकन चाहिए तो आप उस हिसाब से मेज़रमेंट को जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक बड़ा ढक्कन ले सकते हैं या फिर कोई रिंग ले सकते हैं, इससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो दोनों कपड़े हैं हम इसको इस तरह से रखेंगे और हमको इसको राउंड में सबसे पहले स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हम राउंड में इसको स्टिच लगाएंगे। देखो, ये अगर ये वाला हिस्सा आपको ऊपर की साइड में चाहिए तो इसको इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये अंदर फोल्ड हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपको ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड में चाहिए तो इसको इस तरह से रख के आपको स्टिच करना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से रख रही हूँ। गोल्डन कलर का हिस्सा मैं ऊपर की साइड में ले लेती हूँ। तो अब इसको देखो, राउंड में हमको स्टिच करना है। तो हल्का हल्का मार्जिन देते हुए राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमको स्टिच करना है। अब इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करके हम इसको कट कर देंगे। तो एक हिस्सा हम साइड में रखेंगे, एक जो हिस्सा है इसको थोड़ा थोड़ा सा कट लगा के हम फोल्ड कर देंगे बाहर की साइड में। इसको हल्के हल्के से कट लगाएंगे, पलटने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कभी भी राउंड शेप को अगर आप पलटे हैं तो हल्का सा इसको थोड़ा थोड़ा सा नॉच लगा देना चाहिए। देखो, इस तरह से हम इसको पलट लेंगे बाहर की ओर और अब इसको ऊपर से हम एक स्टिच लगा देंगे। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लगाना है। अब इसमें आप लेस का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तरह की आपके पास वन साइड लेस हो। जैसे मेरे पास 2-3 तरह की वन साइड की लेस है, तो कोई भी लेस आप ले सकते हैं। जैसे देखो, इस तरह की लेस है, ये एक वन साइड लेस है। ये एक वन साइड में रहती है, मतलब नीचे की साइड में बिल्कुल हमारी झालर की तरह दिखती है। तो ऐसे आपको कोई भी लेस लेनी है। और यहाँ पर मेरे पास इस तरह की भी ये वन साइड लेस है। तो लेस का आप कोई भी यूज़ करिएगा, जो भी आपको सूट होती हो आपकी डिज़ाइन में। तो ये वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको इसको इस तरह से नीचे की साइड में लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से। देखो, राउंड शेप में लगाएंगे और बिल्कुल अच्छे से सफाई से लगाएंगे। लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो कपड़ा जमा हो जाएगा। तो हल्के हाथ से लगाएंगे बिल्कुल। देखो, ये लेस कितनी प्यारी लगती है, इस तरह की लेस। देन वापस से एक बार हल्का सा जगह छोड़ के एक बार फिर से इसको राउंड शेप में लगा देंगे। अब एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे और इसको लगा देंगे। शेप जो है आपका बिल्कुल राउंड में आना चाहिए। देन अब लास्ट बार इसको लगाएंगे और हल्का कपड़ा ऊपर की साइड में छोड़ देंगे।
तो देखो कुछ इस तरह से हमने इस लेस को लगाया है। अब हमको मेरे पास यहाँ पर एक नॉट है, अगर आप चाहे तो आप किसी कलर की बना सकते हैं, जैसे ब्लाउज़ में सेम कलर की भी आप नॉट बना सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने पहले आपको डाला है। तो देखो इस तरह की गोल्डन कलर की नॉट है मेरे पास, तो इसी को लगाएंगे। तो इस तरह से नॉट को आपको एक कोने के ऊपर रखना है और इसको फोल्ड करना है। दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड करेंगे, नॉट को हल्का सा बाहर रखेंगे और इसको यहाँ से डबल स्टिच देंगे। फिर यहाँ पर आने पर आप थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं, अगर धागा बहुत छोड़ रहा है कपड़ा तो फोल्ड कीजिए, नहीं तो देखो मैंने ऐसा किया है, डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और अब इसको बाहर की ओर फोल्ड करेंगे। ये लटकन जो है आप ब्लाउज़ में लगाइए, लहंगे में लगाइए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है और ये आपके लहंगे का, आपके ब्लाउज़ का गेटअप ज़रूर बढ़ाएगा। तो देखो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला ये लटकन है। दूसरी साइड का भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। इसको भी हल्के हल्के से नॉसेस देके मैं इसको पलट देती हूँ अंदर की साइड में। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से लेस लटकन आप बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, आपके ब्लाउज़ का गेटअप को भी ये बढ़ा देंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी टाइप्स की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।